प्रथम तहलका न्यूज। दर्द से तड़पती एक गर्भवती महिला मरीज को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो एक डॉक्टर उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर इमरजेंसी तक दौड़ा और उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया। एक डॉक्टर के मानवता भरी रूप की ये तस्वीर जींद जिले से सामने आई है, जहां रमेश पांचाल नाम के एक सिविल सर्जन से गर्भवती महिला का दर्द देखा न गया और उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर इस तरह से इमरजेंसी में ले गए। हालांकि खून की कमी और कमजोरी के चलते गर्भवती महिला को बचाया ना जा सका और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर गोपाल गोयल की माने तो मृतक महिला में खून की कमी थी। बीते दिनों महिला रोहतक PGI में दाखिल थी, जहां पर परिजन पूरा इलाज करवाए बिना ही उसे वापस ले आए थे और बीते सोमवार को उसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ी, जिसे नागरिक अस्पताल में लेकर आए, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। थी जो जिसको अभी लेकर आए थे, आते ही वो एक्सपायर हो गई है। तो वो गैस्पिंग स्टेज में आई थी, हम कुछ कर पाते उससे पहले वो एक्सपायर हो गई। स्टील लेने से पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा अनीमिया था, खून की कमी थी। वो PGI रोहतक में इलाज ले रहे थे, वहाँ पे उसको ब्लड भी चढ़ा था। वहाँ से वो पेशेंट को अपने घर ले आए और घर लेने के बाद अभी वो जब आए तो उनको लगा कि वो कहा कि पेशेंट को दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रहा। जब कैजुअलिटी में लेके आए तो आते ही हमने उसको संभाला तो वो बच नहीं पाई, क्योंकि वो गैस्पिंग स्टेज में आई थी। हमने उसका कोरोना भी रैपिड टेस्ट किया, जो कि नेगेटिव आया। तो संभवतः ये अनीमिया था, बहुत ज़्यादा खून की कमी थी, प्रेग्नेंट औरत थी, तो उसकी कम्प्लिकेशन से ही लगता है कि उसकी डेथ हो। गर्भवती महिला थी और खून की भारी कमी थी। PGI से इलाज भी चल रहा था, ये उसको घर ले आए थे, शायद पता नहीं किस वजह से वहाँ खून इन्होंने एक बोतल तो चढ़वाया भी था, पर पूरा खून शायद इन्होंने नहीं चढ़वाया। और यहाँ ये आई तो उस समय तो ये गैस्पिंग कंडीशन में थी, आते ही 5 मिनट के अंदर अंदर एक्सपायर। देखिए स्ट्रेचर तो क्या है कि आजकल कोरोना की वजह से अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमारे पास 110 पेशेंट एडमिट हैं, तो जो स्ट्रेचर के जो पेशेंट हैं वो कई बार स्ट्रेचर ले जाते हैं, वापस नहीं खड़ा कर पाते। तो हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, हर 10-15 मिनट बाद सारे हॉस्पिटल कोने कोने स्ट्रेचर की ड्यूटी भी लगा रखी है, हिला के खड़ा करते हैं। तो कई बार ऐसा हो भी सकता है कि स्ट्रेचर एक समय में उपलब्ध ना हो, लेकिन हमारी कोशिश ही रहती है कि जब जहाँ भी स्ट्रेचर जब भी ना हो तो सारे, हमने 3 बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है जो सारे हॉस्पिटल स्ट्रेचर लाके मेन गेट। मृतक महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के बांदा निवासी सोनिया के रूप में हुई है। महिला सोनिया अपने पति रामशाही के साथ गांव खरक राम जी के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी और 8 माह की गर्भवती थी। महिला की मौत के बाद उसका कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन वो नेगेटिव मिला। सोमवार को उसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ने पर नागरिक अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। जो है तबीयत डाउन हो गया, दोपहर में ही उसकी तबीयत जो है बुखार आ गई, उसको ले गए पहले खरक राम जी, वहाँ से जवाब दे दिया, उधर से इधर आए तो खड़े हो गए, स्ट्रेचर ढूंढ रहे थे नहीं मिला, फिर अंदर से डॉक्टर साहब आए, वो अपनी गोदी में लेके अंदर चले गए। जान बच गई? जान बच गई हाँ। तो किसने बताई आपकी वाइफ की जान? डॉक्टर साहब ने, हम क्या जाने का नाम है क्या नहीं मालूम है। हम भी हम वहाँ हैं निरानी श्री राम भट्टा से। कहाँ के रहने वाले आप? UP के। आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई थी यहाँ पे खड़े हुए? यहाँ 5-6 मिनट तो खड़े ही थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो है अंदर दवा के लिए ले गए। डॉक्टर साहब से क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि हमारी वाइफ की तबीयत सही कर दो दवा गोली से, और क्या बोलेंगे। तो आपकी बात? हाँ हाँ। क्या नाम आपका? राम सजीवन। यहाँ पे ईंट फाड़ती अपनी, तो इनको लेने के लिए मैं गया तो वहाँ पे जाके ना तो एम्बुलेंस मिली, फ़ोन किया तो यही जवाब मिला था कि भाई यहाँ पे कोरोना के लिए सारी गाड़ियों की सफाई हो रही है, मरीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में लेके आ जाओ यहाँ पे। तो वहाँ से फिर आशा वर्कर के पास में फ़ोन किया, तो बोले डिलीवरी केस वहाँ पे नहीं ले रहे अभी तक, वहाँ के कोरोना के मरीज ही ले रहे हैं जींद में, तो इसलिए आप गाँव में लेके आओ। तो गाँव में ले जाने के बाद में जो उसने देखा, नर्स ने जो दूसरी मिली वहाँ पर, तो उन्होंने पैर सूजे हुए थे इसके, नीली हुई थी बिल्कुल, और बुखार था। तो उन्होंने ये मना कर दिया कि भाई ये इमरजेंसी केस है, आप इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है इस टाइम पे और ना ही दवाई है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, वहाँ पे ले जाओ। तो यहाँ पे आने के बाद में कम से कम भी 20 मिनट तक तो स्ट्रेचर ही नहीं मिला हमारे को, ऊपर नीचे नई बिल्डिंग में कभी ऊपर भेज रहे कभी नीचे भेज रहे थे, नहीं मिला। तो आखिरी में कम से कम आप जैसे बंधुओं की नज़र पड़ी है, तो उसके बाद में ही खुद डॉक्टर आए हैं, आपने बोला है या दिखाई दिखाया उनको, तो उसके बाद में ही डॉक्टर खुद आए हैं
इंतज़ार करने के बाद में खुद उसको गोद में उठा के ले गए हैं। तो ये हालत है यहाँ की। अच्छा, तो डॉक्टर ने परिचय दिया है इंसानियत का जो मरीज था? हाँ, वो उनको उन्होंने नेक दिली का परिचय दिया बिल्कुल। दरअसल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते व्यवस्था बनाने में अस्पताल प्रशासन को परेशानी आ रही है। अस्पताल में स्ट्रेचर ना मिलने के बारे में डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि यहाँ पर 110 से ज्यादा कोरोना के मरीज दाखिल हैं और जिस समय महिला आई तो स्ट्रेचर सभी दूसरे वार्ड में गए हुए थे। प्रथम तहलका के लिए जींद से परवीन कुमार रिपोर्ट।